सही टाइम रहेगा जीजू को फोन करने का। क्या आइडिया, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इतना आसान हो गया है ना सब कुछ। अब ना मुझे उसका झूठ सुनना पड़ेगा, ना मैं उस पर गुस्सा होंगी, और ना ही वो मेरे करीब आएगा। थैंक यू अंबे माँ मुझे आइडिया देने के लिए। अब चैन की सांस ले सकती हूँ मैं। यार लड़ाई झगड़ा बस बहुत हो गया। तुझे देविका का दिल जीतना ही पड़ेगा। देविका के दिल में अपनी जगह बनानी ही पड़ेगी। कुछ ऐसा करना होगा जो सीधा उसके दिल को छू ले। हाय जीजू। पल्लवी ने रवि को क्यों फोन किया है? कैसे आप? और देविका दी कैसी है? उनका स्विमिंग पूल का थोड़ा डर कम हुआ कि नहीं? नहीं पल्लवी, वो क्या है कि जब से तेरी देविका दी स्विमिंग पूल में गिरी है ना, तब से वो शौक में चली गई। मेरा मतलब है कि सबके सामने ठीक थी, पर शौक का रिएक्शन थोड़ा लेट हुआ है। और मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बात करूँ, पर मेरी किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रही। पता नहीं क्या हो गया। नहीं मतलब ठीक है, जागी भी हुई है और नींद में भी है। पता नहीं कैसा रिएक्ट कर रही है। अजीब सा ही कुछ हो गया तुम्हारी दीदी को। जीजू दी कहाँ है? एक बार मेरी बात करवा दो। कोई फायदा नहीं पल्लवी, कोई फायदा नहीं। वो क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देविका दी के अंदर से पूरा पानी मैं निकाल ही नहीं पाया। बात मुंह एकदम फूल सा गया एकदम। और मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे बात बात करेंगे। तुम्हारी देविका दी का तुमसे बात करने का मूड है। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ कि वहाँ सब कुछ ठीक है। जीजू यहाँ सब बढ़िया। एक्चुअली मैंने आपको किसी काम से फोन किया था, लेकिन अब दी की तबीयत के बारे में सुनकर मुझे लगता है वो प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। कौन सा प्लान पल्लवी? जीजू मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक बैचलर्स पार्टी रखी जाए। बैचलर पार्टी? आपको तो पता है ना कि साक्षी आजकल कितनी खोई खोई सी गुमसुम रहती है। उसे ऐसी पार्टीज बहुत पसंद है, क्यों ना उसे थोड़ा चेयर अप करने के लिए। वो बहुत एंजॉय करेगी। और मेरी माँ से भी इस बारे में बात होगी। माँ ने कहा है कि आपसे बात करो और डिस्कस कर लो, क्योंकि आपको तो पता है ना हमारे घर में कोई पार्टी के लिए अलाउ नहीं करेगा। भले भी तुम ठीक बोल रही हो, साक्षी के लिए हमें इतना तो करना ही चाहिए। और चाची जी ने रिक्वेस्ट की है, बोला है, तो फिर उनकी कही हुई हर बात मेरी सर आंखों पर। लेकिन पल्लवी वो क्या है कि तुम्हारी देविका दी का मूड ना थोड़ा सा खराब है, मतलब उखड़ा उखड़ा सा है। मुझे नहीं लगता कि उसे शायद कुछ इंटरेस्ट है ऐसी कुछ बैचलर पार्टी में। हाँ मैं जानता हूँ कि साक्षी की खुशी के लिए है, पर कोई बात नहीं पल्लवी, साक्षी को मैं समझा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पार्टी नहीं होगी ना। मेरे बस में होता तो मैं तो चुटकी बजा के कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो पल्लवी, मैं साक्षी को समझा दूंगा और अगली बार देखते थोड़ा इस बार मुश्किल होगा। अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी तक। पल्लवी हाँ तो क्या कह रही थी? करते हैं ना, साक्षी की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग। दी चीजू तो कह रहे थे कि आपसे बोला भी नहीं जा रहा, तू ये सब कैसे? नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन मत ले। वो तुझे पता तो है कि रवि की मजाक करने की आदत है, इसीलिए बोल रहा था। तू वो सब छोड़, देख तू और साक्षी रेडी रहना, आज रात को हम लोग पार्टी करने चलेंगे। ओके ठीक है दी। लेकिन दी जीजू को ही सारी पार्टी के अरेंजमेंट्स करनी होगी, क्योंकि मुझे तो पार्टी के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं पता। पल्लवी जो कह रही है उसको हाँ कर दो। एक शर्त पर। थोड़ा मुझसे बात करनी होगी। ठीक है पल्लवी, आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी तक बोला नहीं है, लेकिन अगर तुमने हाँ नहीं करी या मुझसे बात नहीं करी तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलूंगा। सीरियसली कोई गलत राय नहीं बनाई मैंने तुम्हारे बारे में। वो तुम एक नंबर के सेल्फिश, सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहते हो, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल नहीं। ठीक है कर लूंगी मैं बात। किससे? मैं तुमसे बात कर लूंगी। थोड़ा जोर से, सुनाई नहीं दिया। मैं तुमसे बात कर लूंगी। वाह तुम्हारा तो गुस्से में भी प्यार छलकता है।
हाँ पल्लवी, ठीक है मैं सारे अरेंजमेंट कर लूंगा, ठीक है, ओके बाय बाय। लो जी चाय। शुक्र है। मम्मी जी चाय अकेली पियेंगी या अपने खास मेहमान के साथ? मतलब नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पुत्र जी, बैठो जी बैठो। कैसी हैं? बढ़िया जी बढ़िया। आपको देखते हुए जी तो मेरा खराब मूड भी अच्छा हो जाता है जी। जी आप खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हो? जूस लेके आए इनके लिए? और जी दसो जी। आंटी जी मैंने ना आपको बहुत बहुत मिस किया। सच्ची? आपको तो पता चल ही गया होगा मैंने कितने शौक से सबको अपने घर पर अपने बंगलों पर करवा चौथ के लिए बुलाया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर पता नहीं कैसे अचानक देविका स्विमिंग पूल में गिर गई। बहुत बुरा लगा मुझे और बाद में वहाँ इतनी टेंशन थी कि ठीक से उसका हालचाल पूछ ही नहीं पाई, इसलिए देखने आ गई कि वो ठीक तो है। कोई बात नहीं जी, आपको वैसे ही देख के मैं तो खुश हो जाती हूँ। अब चलो मैं आपको मिला देती हूँ देविका से आज। जूस? नो थैंक यू। अरे अभी तो मंगवाया आपने? वो मना कर रही है ना, वो इनकी मर्जी बड़ी है कि जूस बड़ा है। चल जा। चलो जी आप आ मेरे साथ आ जाओ जी। आप जी एक्चुअली आज शाम के लिए हमें हॉल बुक करना है आपके होटल में। नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अगले तीन दिन तक हमारी बुकिंग फुल है, सॉरी। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, बहुत जरूरी है। I'm really sorry, sir. क्या हुआ? हॉल मिला? नहीं एक्चुअली ऑलरेडी बुक है। कैसे मिलेगा तुमको हॉल? तुम्हें बात ही करनी नहीं आती ठीक से। मुझे बात करनी आती ठीक से? ऑफ कोर्स, अभी तक मैं होती ना तो बुक भी कर देती। लो फिर करो बात। हाँ देखना दो महीने में बुक करके दिखा। हाँ देखता हूँ मैं कितना रूम बुक करती हूँ। हेलो, वो एक्चुअली हमें आज एक रूम बुक करना है। नहीं नहीं हमें आज के लिए एक पार्टी हॉल चाहिए, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट है तो अभी तक सोई थी क्या आप? नहीं एक्चुअली नहीं नहीं अब मेरी खाली नहीं है। एक सेकंड, अब पॉसिबल ही नहीं है। मुझे बात करनी नहीं आती, तुम्हें आती है बात करनी? एक होटल में मेरा दोस्त काम करता है, मैं उससे बात करता हूँ। दोस्त है? अगर दोस्त है तो इतनी देर से याद नहीं आ रहा था तुमको? इधर उधर कब से फोन लगाए जा रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे याद करने नहीं दिया, फोन छीन लिया मेरे हाथ से इसीलिए। मैंने एक सेकंड, मुझे भी एक जने का नंबर याद आया। मैं बात करूंगा उससे। अरे अरे मेरी बात सुनो। अरे बिल्कुल नहीं, मैं बात करूंगा। मैंने कहा ना क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? देविका पुत्र अब तुझसे मिलने आए हैं निवेदिता जी। देविका एक्चुअली आई फेल्ट रियली बैड फॉर यू, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया करवा चौथ पर और वहाँ इतनी टेंशन थी कि मैं जल्दबाजी में तुमसे पूछ ही नहीं पाई कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। आई होप कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। रवि पुत्र क्यों परेशान कर रहा था मेरी बहू को? वो देख उससे लड़ेगा ना तो मैं तेरे कान खींचने आ। नहीं मैं लड़ नहीं रहता एक्चुअली, वो क्या है कि मॉन्टी की आज बैचलर पार्टी है तो उसके लिए हॉल बुक करना था, लेकिन सब जगह हॉल बुक्ड है, कहीं पे जगह नहीं मिल रही, बस इसीलिए थोड़ा सा हम लोग परेशान थे और कुछ नहीं। वैसे एक जगह है खाली पड़ी है और वहाँ कभी भी पार्टी अरेंज करवा सकती हूँ। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों पुत्र? मैं शुद्रा आप रहने दीजिए, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बट वाई रवि, सीरियसली बहुत अच्छी जगह है। फिर भी इट्स ओके। तो जी आप बहुत अच्छे हो जी, लेकिन अब रवि आपसे इस तरह से बार बार भी आपका एहसान नहीं ले सकता ना, अभी इसलिए मना कर रहा है। आप जी रहने ही दो जी। आंटी जी जी आपको उस जगह के लिए बिल्कुल पैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में मिल जाएगी। हाय सच्ची मुझे फेर तो जी। अब जी एक मिनट, काहे को इस पार्टी पे इतना खर्चा करना? देख खाने पीने का खर्चा तो होना ही है ना,
तुझे जरूरत भी एक जगह की, वो तो सामने से दे रही है, कुछ पैसा नहीं खर्च होगा, हाँ कर दे। क्या सही वक्त पर तुम यहाँ आई हो निवी, एक और चांस मिल गया तुम्हें, अनदर अपॉर्चुनिटी। यस ठीक है, चलो जी ठीक है जी, चलो जी अब तो आप जूस वूस कुछ पी लो जी, अब तो बस आ जाओ जी, आ जाओ। ये बात तो मुझे वीर जी को फोन करके बतानी ही होगी। वो साला रवि, वो चैलेंज जीत नहीं सकता और साकेत कभी जिंदगी में हार नहीं सकता, लेकिन यहां तो पूरा पासा ही पलट गया। ध्यान से सुनिए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। देख पहले मेरा मूड खराब है, इसके पहले कि तू कोई मनहूस खबर सुनाए ना, वो नीचे रख दे तू। अरे मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपको बहुत खास खबर देनी है और आपको मौका दे रही हूँ देविका को जीतने का। इन लोगों ने ना बैचलर पार्टी रखी है, वो भी आज शाम को। वहाँ पे रवि, देविका, मोंटी, साक्षी और लड़के लड़कियाँ भी होंगे और बड़े बुजुर्गों में से कोई भी नहीं जा रहा। वाह श्वेता, क्या खबर सुनाए तुमने? हीरो का हार दूंगा तुझे। हीरो का हार? राखी के पहले देवी का तेरी भाभी बन जाए। हाय हाय, क्यों नहीं करूंगी मैं तो, रात दिन यही दुआ करूंगी। अच्छा वीर जी मैं रखती हूँ, कोई आ जाएगा। रवि तूने मुझे चैलेंज किया था ना, अब देखना तू हमेशा हमेशा के लिए देवी को खो देगा। ये मेरा चैलेंज है। देविका कौन दोगी जरा? ये अब तक मुझसे बात नहीं कर रही, मैंने शर्त मान ली उसके बाद भी। देखो तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं पार्टी का सारा अरेंजमेंट कर दूंगा तो तुम मुझसे बात करोगी। अब मैंने सब कुछ कर दिया है फिर भी तुम मुझसे बात नहीं कर रही, प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सामने से हटो। पर ये ज्यादा क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, ये सारी अरेंजमेंट्स तुमने की हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी बॉस ने किया। और वैसे भी मिस लूथरा तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी जब तुमने उनकी जगह पे पार्टी रखने के लिए हाँ कर दी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी खुश है, कितना एंजॉय करने वाली है। तो वो एंजॉय करेंगे इस पार्टी को, तुम एंजॉय करोगे, लेकिन मैं, मुझे ना तो ये माहौल पसंद है और ना ऐसी पार्टीज। अब हटो सामने से। कि जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, अपनी बहन के लिए कर रही हूँ, साक्षी की खुशी के लिए कर रही हूँ। ये ऐसी पार्टीज, ऐसे कपड़े, मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं, लेकिन सिर्फ उसके चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और इसीलिए उस पार्टी में जितना हो सके उतना मुझसे दूर ही रहना। तुम किस बात के लिए इतना रुगली बिहेव कर रही हो? कल रात को जो कुछ भी हुआ सॉरी बोल चुका ना मैं उसके लिए। तुम भी गुस्से में इतनी बातें बोलती हो, दिल दुखाने वाली बातें बोलती हो, दिल में चोट पहुंचती है मुझे, लेकिन माफ करता हूं ना मैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मैं दिल में बात नहीं रखता। लेकिन तुम्हें, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे बुरा लगे या अच्छा लगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने हिसाब से बात करोगे, राइट? तुम किस बात के लिए ऐसे बिहेव कर रही हो? हाँ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैंने वो अपनाया। देविका जरा सोचो, तुम्हारी लंग से पानी भर चुका था, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना बहुत जरूरी था देविका, और उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के अलावा मेरे लिए कोई और चीज मायने नहीं रखती थी। लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि मैं हमेशा मौके का फायदा उठाता हूँ। देविका अगर मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारी हालत और खराब होती, तुमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, और तुम्हारी चाची उन पर क्या गुजरती? सही तो कह रहे रवि, देविका वहां पर सबकी पूजा बर्बाद होती। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो मोंटी और साक्षी की शादी का क्या होता?
तुम ठीक हो इसलिए सबके चेहरे पर खुशी बनी हुई है। लेकिन खैर मुझे लगता है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मैं गलत था, गलत हूँ और गलत ही रहूंगा। तो ठीक है, ये मेरी किस्मत है। अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि तुम्हारी 10 बातें सुननी तो मैं सुनूंगा। तुम्हें अगर मुझसे बात नहीं करनी तो मत करना, लेकिन प्लीज अपना मूड तो ठीक कर लो, हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं। ठीक है। दिखाओ। वो बस मैं पहन रही थी, पता नहीं कैसे मेरी कोनी लग गई। बहुत जल रहा होगा ना, एक सेकंड मुझे देखते हैं तो। पल्लवी मेरा बिल्कुल मन नहीं है। देख आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनने वाली, इतनी मुश्किल से तेरे लिए पार्टी रखी है, और अगर मन नहीं है ना तो मन बना ले, चल तैयार हो। कोई जबरदस्ती है क्या पल्लवी? हाँ है जबरदस्ती, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए पार्टी रखी है, और अब तू मना कर रही है। चल अब जल्दी तैयार हो यार। पल्लवी प्लीज फोर्स मत कर। तुझे सिर्फ मेरा फोर्स करना ही दिखता है, तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा तेरी खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे उदास नहीं देख सकती साक्षी। सिर्फ चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए से मुझे अपनी पुरानी वाली साक्षी वापस मिल जाए। लेकिन अगर तुझे मेरी ये छोटी सी उम्मीद भी अगर गलत लगती है ना, वेरी सॉरी साक्षी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन पे मुझे इतना भी हक नहीं। पल्लवी तू रो क्यों रही है? अच्छा ठीक है, तू चाहती है कि मैं तेरे साथ पार्टी में चलूं ना, तो मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पे। क्या? मैं आज रात पार्टी में ड्रिंक करूंगी। क्या? लेकिन तू मुझे रोकेगी नहीं। साक्षी तू पागल होगी, तू शराब पिएगी। शादी से पहले मेरी ये आखिरी विश है पल्लवी। ओके लेकिन चल अब तू जल्दी तैयार हो जा, हमें जाने में बड़ी देर हो रही है। अच्छा चल ठीक है, तो मुझे ड्रेस चूज करने में थोड़ा हेल्प करते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? और दुकान पे छाले पड़ गया जो बोला नहीं जा रहा? कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो, कहाँ जा रही हो? दादी वो बैचलर पार्टी के लिए। पार्टी? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? वो इतनी रात को तुम लोग पार्टी में जाओगी? तुम्हारी माँ के ना पर निकल आया, उसे भी जमाने की हवा लग गई जो रात को लड़कियों को अकेले भेज रही है पार्टी में। खबरदार जो तुमने घर से पांव बाहर रखा, तुम्हारी माँ की तो मैं जाके अभी खबर लेती हूँ। तू टेंशन मत ले, तू बस जल्दी रेडी हो जा, पार्टी तो होकर रहेगी और तेरी विश भी पूरी होगी। हाय रब्बा, कितनी सोनी लग रही है, नजर ना लगे किसी की। तू ना दे, तूने जरूर नजर लगानी है उसको। हाय तो देख पुत्र, इसका ध्यान रखी, वह उसके आसपास ही रही, कोई इसको परेशान ना करे। वो लोग बड़े खराब होते हैं, किसी की भी नजर लग जाती है, ये आजकल की लड़कियों की जैसी तो है नहीं। भाई बड़ी संस्कारी बहू है मेरी, तेरे से तो पार्टी में जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है ना पुत्र, तेरे को नहीं अच्छा लगता ना? देख ले तो तू ध्यान रखना, इसके आसपास ही रहना। अरे किसने तेरे लिए व्रत रखा था ना, तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू इसका ध्यान रख, समझा है ना? ठीक है मां, मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मॉन्टी कहाँ है मां? ये तो तैयार ही हो रहा होगा अंदर। और अरे मॉन्टी जल्दी आना, देर हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा सुनो, ज्यादा देर नहीं लगाना, वो सारी तैयारी करनी है, हल्दी का काम है, कितना सारा काम पड़ा हुआ है, समझा है ना? हाँ चिंता मत करो, मैंने सब कुछ कर लिया है, सब इंतजाम कर लिए हैं।
नहीं पुत्र जी, तेरे रहते तो मैं किसी बात की चिंता नहीं करती। वो हीरा पुत्र है मेरा, हीरा पुत्र ते हीरा पति है कि नहीं, पर रिश्ते निभाना तो कोई इससे सीखे है ना। अरे माँ इतनी भी तारीफ मत करो, मतलब इतना भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं भाई, कुछ झूठ बोल रहे हो? जो सच्ची बात है तो कहनी पड़ेगी। क्यों पुत्र,